सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि fixsun.com पर आप अपनी कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं कि जिससे कि आप अपना ऑनलाइन जॉब कर सकें और पर डे आप अपनी अर्निंग भी कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पर आप सर्च बार में सर्च करेंगे fixsunhour.com। वहाँ पे आपने उस साइट का नाम लिखना है fixsunhour.com। मैं भी आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और अपनी इंडिया की वेबसाइट है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद अपने डेस्कटॉप साइट पे करेंगे, वहाँ पे लिखा है वेयर टैलेंट मीट पॉसिबल्स, यानी कि अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे बहुत सारे आप यहाँ पे काम देख सकते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर साउंड और उसका राइटर्स ट्रांसलेशन, अकाउंटिंग एंड काउंसलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको जो भी काम आता है उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप देखें यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोगों जो यहाँ पे जो फ्रीलांसर हैं काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ रही है नीचे, उनका नाम और प्रोफाइल लिख के आ रहा है और वो कितना पर डॉलर कमाते हैं पर घंटे के हिसाब से वहाँ पर लिख कर आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे। fixsunhour.com पर जाने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, आप यहाँ पे नीचे करेंगे। मैं भी आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को भी प्रोफाइल बनाना नहीं आता है, ना ही प्रपोजल भेजना आता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अपने मोबाइल में करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई यहाँ पे सागर कुमार हैं और ये $500 लेते हैं पर आवर के हिसाब से, और आपको ये नीचे दिख रहा होगा अर्श शर्मा, ये क्रिएटिव राइटर हैं और ये $2 पर हावर के हिसाब से यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जो कि ऑनलाइन काम है और अपनी ही इंडिया की वेबसाइट है fixsunhour। यहाँ पे ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है और यहाँ पे काम भी अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो आप भी यहाँ पे ऑनलाइन काम कर सकते हैं और घर बैठे पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना यहाँ पे कुछ डॉलर भी कमा सकते हैं और वो सीधे आपके अकाउंट में आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम है राइटर्स का, डिसीजन क्रिएटिव का और भी बहुत सारे काम है। ये लोग उनकी आपको फ़ोटो नज़र आ रही है जो काम करते हैं। यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे अपना नाम, लास्ट नेम, फुल नेम और यहाँ पे जो भी रजिस्टर है ऐसे फ्रीलांसर पे काम करना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल भर के आप यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड डालेंगे, जो कि यही साइट सजेस्ट करेगी। जैसे कि ये पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा है, यूज पासवर्ड पर क्लिक करके आप इसी पासवर्ड को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बहुत अच्छा पासवर्ड डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और बंदा आपकी यहाँ पे प्रोफाइल ना खोल ले, इसलिए बहुत ही अच्छा पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता है, जो खुद साइट बताती है, सजेस्ट करती है, आपको उसी डालना है। फिर आप करेंगे सिगिन अप नाउ पर क्लिक। आप देख सकते हैं सिगिन अप नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ओके करेंगे आप। ओके नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे करने के बाद नीचे जाएंगे और आपके पास एक मेल आया होगा, यहाँ पे लिखा है एन ईमेल हैज़ बीन सेंट दी फॉलोइंग एड्रेस, इस मेल पे आप भेजा गया है आपके पे मेल। उस पर आप क्लिक करने के बाद देखो ये मेल आया fixsunhour से, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा इंटरफेस। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ये आपके जीमेल में खुलेगा। उसके बाद एक जिस लोग साइट भेजते हैं उस साइट पे आपको क्लिक करना है। ये लिखा है देखो वेलकम टू दी fixsunhour, नाम लिखा है कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन में डाला है। उसके बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे जो भी आप क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं, जो भी आपकी साइट है ब्राउज़र है उस पर ये साइट खुलेगी दोबारा से। और साइट खुलने के बाद ये लेट्स क्रैक योर प्रोफाइल लिखकर आ रहा है। कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐड योर प्रोफेशनल टाइटल दैट्स डिस्क्राइब द वर्क यू डू, यहाँ पे टाइटल डालना पड़ेगा, मतलब जो आप काम करना पसंद करते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा अच्छा सा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंट्री, यानी कि आप यहाँ पे अब आपकी पूरी प्रोफाइल बनेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको यहाँ पे पूरी प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा। ये लिखा है सिलेक्ट कैटेगरी एंड चूज योर स्किल्स, यहाँ पे अपनी स्किल को चूज करेंगे। आप जो भी काम करना पसंद करते हैं, एनिमेशन या आर्ट एंड इंस्टॉलेशन, ऑडियो प्रोडक्शन या ब्रांड एंड एक्सेसरी, आप जो भी यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वही आप अपनी कैटेगरी में डालें जो आपको काम आता है, जिससे कि आप
आपको काम मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको भी पूरी प्रोफाइल बना के दिखाऊँगा, राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी राइटिंग, आर्टिकल एंड ब्लॉगिंग राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग, ग्रांट राइटिंग, मतलब आपको जो भी काम आता है करना यहाँ पे आप यहाँ पे फिल करेंगे। और मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ, बहुत सारे काम है, मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी है तो उसमें मतलब मैंने आपको पूरी प्रोफाइल बनाना सिखाया है, जिसमें वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहें, तभी आप सीख पाएंगे कि fixanova.com पर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। अभी आपको देखेंगे यहाँ पे भरने के बाद, ये सब कुछ भरने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे अबाउट यू के वगैरह में लिखना, या आपने जो भी भरा हुआ ऊपर लिख कर आ जाएगा, जो भी आपने भरा है काम में सक्सेसफुली अपडेट यहाँ पे लिखा आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर भरनी पड़ेगी जो कि उसमें कह रखा है, और अपने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, आप जो भी फ़ोटो रखते हैं गैलरी से उसी फ़ोटो को चूज करेंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा के दिखाऊंगा, फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ता है जो कि आपके प्रोफाइल पे लग कर आएगा। आप अपनी गैलरी से एक फ़ोटो चूज करके आप यहाँ पे लगाएं, और अच्छा फ़ोटो हो, प्रोफेशनल फ़ोटो हो, जो कि उन लोगों को फ़ोटो देखकर आपको जल्दी से जल्दी काम देने की वो करेंगे। फ़ोटो वगैरह अच्छा डालें आप यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो लगा के दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है, उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, शो होने लगेगा, और फ़ोटो यहाँ पे करके आपको अपलोड प्रोफाइल पे करना है, क्रॉप करके फ़ोटो साइज को, फ़ोटो साइज क्रॉप होने के बाद अपलोड प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अब यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे साइड में कोने में, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। तो अभी ये प्रोफाइल सेव हो रही है यहाँ पे, आप देखते रहें, मैं आपको पूरी प्रोफाइल बना के सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ चुका है, इस पर भी लगकर, क्योंकि प्रोफाइल सेट हो चुकी है। और आप यहाँ पे नीचे करेंगे स्क्रॉल तो और भी आपको ऑप्शन भरने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है एग्जांपल मोबाइल एंड वेब, मतलब एड ए प्रोफेशनल टाइटल दैट यू डिस्क्राइब दी वर्क यू डू, यानी कि जो आप काम कर सकते हैं उसके बारे में एक अच्छा सा टाइटल आपको लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अच्छा सा टाइटल जो देखने में अट्रैक्टिव लगे और किसी को पढ़ने में भी अट्रैक्टिव लगे। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम ए बेस्ट, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, आई एम ए बेस्ट कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपने काम में जो अपने काम में यहाँ पे भरा है, और यहाँ पे अपना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने बारे में, और यहाँ पे लिखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, सभी को आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके ना भरें, क्योंकि ये कॉपी होके जब बहुत सारे लोगों को में भरा जाएगा तो ये स्पैम माना जाएगा कंपनी में एक तरीके से। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा सा टाइटल, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में, जो भी आपको आता है, जो भी आपके करियर के हिसाब से और जो भी आपने एजुकेशन किया है उसी के हिसाब से आप वहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भरें। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भरता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने बहुत कुछ भर रखा है ऊपर, और यहाँ पे आप अपनी ये हावरली रेट लिखा है उस पर आप अपने जितने आप कितना मतलब कितनी इनकम आप लेना चाहेंगे हावर के हिसाब से वहाँ पे आप भरें। मैं कहूँगा आप थोड़ी कम ही भरें, क्योंकि आपको आप एक बिगिनर हैं तो आपको काम मिलने की कम वो है, तो इससे अगर आपको काम मिल जाए तो आप थोड़ा ही भरें। आप यहाँ पर एजुकेशन भरेंगे, यूनिवर्सिटी से डिग्री कौन सी आपने की है, BCA, M.Tech, B.Tech, अदर MCA, जो भी आपने किया है आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आपने सेव करेंगे, देख रहे होंगे सक्सेस एजुकेशन एडिट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा और वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी ये पूरी हो पाएगी क्लियर।
पूरी होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एट वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, यानी कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो पहले। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप काम करते ही हो, आप किसी भी कंपनी का काम नाम लिख सकते हैं और पोजीशन लिख सकते हैं। फ्रॉम ईयर से कितने साल तक, आखिरी साल तक किया है वो आप लिख सकते हैं। मैं आपको ये पूरा फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये आपका पूरा अकाउंट बन जाएगा फिक्स एन आवर पर। तो जिससे कि जब लोगों को आपके लिए एलिजिबल आप देखोगे, आपके लिए काम उनको मिल जाएगा, तो आप ईमेल में वो आपको भेजेंगे, उसके बाद उसी के हिसाब से आपको काम मिलेगा। ये लिखा है करंटली वर्किंग, तो जो करंटली हम नहीं कर रहे हैं तो सक्सेस करेंगे, सब सेव करेंगे। उसके बाद आपका ये एड्रेस मांग रहा है, तो आपको उसमें बिल्कुल आपका अपना सही एड्रेस बनना है, जो भी आपका एड्रेस है रियल में, कोई फेक एड्रेस ना भरें, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। आप उसमें वही एड्रेस भरें जो कि आपका एड्रेस है। तो मैं अभी आपका यहाँ पे एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड वगैरह भर के मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आप भी भरें हिसाब से, जो भी आपका एड्रेस है वही एड्रेस भरें। एड्रेस, कंट्री, विलेज और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तहसील, कंट्री, स्टेट, फ़ोन नंबर, जिप कोड, सिटी, आपको यहाँ पर सब भर लेना है। और उसके बाद एड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, तो आप जो भी आप सर्टिफिकेट, जैसे कि BSc की मार्कशीट और MTech, BTech आपने जो भी किया है, या आधार कार्ड भी इसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट मांगा है, ID प्रूफ, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। प्रोवाइडर का नाम, सर्टिफिकेट नेम, अपलोड फाइल, एक आपको फाइल अपलोड करनी है उस इमेज की, वह इमेज जो आप इसमें लिखें, जैसे कि मार्कशीट या आधार कार्ड, उसी का फ़ोटो आपको इसमें एक डालना पड़ेगा। मैं आपको डाल के दिखाऊंगा अभी पूरा, जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट मार्कशीट है, तो मैं मार्कशीट लिखा है, एक फाइल मैंने चूज की है, मार्कशीट की मेरी फ़ोटो स्टेट वो है, फ़ोटो है एक, जो कि मैंने अभी खींची है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है आपको, मैं सिलेक्ट कर दिया है। और कितने साल से कितने साल तक आपने की है, यानी जैसे कि मैंने 2019 से 2021 पे मेल चल रही है, इसलिए आप भी भर सकते हैं। और सेव पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल भरने के बाद। मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा उसको फिल करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब भर चुका है, ऊपर से नीचे सभी ऑप्शन मैंने भर दिए हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो और अपने बारे में कैटेगरी। तो आप यहाँ पर सेव करेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पर सेव करके दिखाऊँगा। ये fixonhour.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, और सबसे अच्छी बात ये अपनी इंडिया की वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली करेंगे, सेव पर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली लिख कर आ गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, जॉब कैटेगरी, रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि आप अपने आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने अपने प्रोफाइल में भरा है काम होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो बहुत सारे डेटा एंट्री और तो बहुत सारे काम आपको नीचे दिख रहे हैं, मोबाइल ऐप, डेटा एंट्री ऑपरेटर, राइटर। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, देखो जैसे सजेशन में आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन, वेब डेवलपमेंट, एनिमेशन, आर्ट एंड इंस्टॉलेशन, ऑडियो प्रोड्यूशन, ब्रांड आइडेंटिटी, आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया वो आपको शो होगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे भरा है, अपने फॉर्म में भरा है, वही चीज़ें आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वही सिलेक्ट करें। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लिख सकते हैं कि आप कितनी जॉब के लिए अवेलेबल हैं, एलिजिबल, मतलब आप कितनी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं लगभग यहाँ पर लिख देता हूँ 15 जॉब एलिजिबल, आप जो भी आप एलिजिबल हैं 15 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिकॉर्ड फाउंड में आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये सबमिट हो पाएगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ, वैसे आपकी प्रोफाइल तो बन चुकी है, जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था, प्रोफाइल सेव एंड सक्सेसफुली लिखकर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15, 10, 20 जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पेजों की संख्या है। और यहाँ पे पूरा ये हो चुका है, यानी आपकी पूरी फाइल बन चुकी है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये आपकी प्रोफाइल बनकर तैयार हो चुकी है।